मैं शाजा नज़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाजा नज़ार ऑफिशियल। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी लव जिहाद पर, जो के अंधभक्त और जो है स्पेशल क्लासेस वाले और हमारी प्यारी प्यारी भोली भाली गोदी मीडिया का भी फेवरेट और जो है वो बेटी बचाओ ग्रुप झंडा लेकर दौड़ने वाले ग्रुप, हाँ उन लोगों का भी ये फेवरेट टॉपिक है लव जिहाद। कुछ भी होता है तो सीधा लव जिहाद, तो क्या बोलूँ। हाँ तो आज मैं उसी पर ही बात करूंगी। तो ये जो ग्रुप है ना, जितना भी मैंने बताया हम, तो ये जो है ये लोग मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है, बिल्कुल आया है। ठीक, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के और लड़कियों दोनों से ही मेरा ये कहना है कि भाई आपको दूसरी कम्युनिटी में जाना ही क्यों है, और आप जबकि देख रहे हैं हमारे जो है न्यू इंडिया का हाल, और ये बात मैं पहले भी आपको बाखबर कर चुकी हूँ कि हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना है, तो आपको दूसरी कम्युनिटी में जाना ही क्यों है, जबकि हमारी खुद की कम्युनिटी में बहुत से अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियां, काबिल लड़के और लड़कियां मौजूद हैं। अब तुम इस्लाम के खिलाफ जाओगे तो तुमको तो ये सारी चीजें जो है ये लव जिहाद के नाम पर जो मुस्लिम कम्युनिटी पर जो ठप्पा लगा है ये तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बेहतर है ना कि हम अपनी ही कम्युनिटी में रहें और अपने मजहब को फॉलो करें, अपने मजहब में रहें। तो चलिए एक जो है मैं आपके लिए न्यूज़ लाई हूँ। अब आप ये बताइए मुझे कि ये कौन सा जिहाद है, इसको किस जिहाद का नाम देंगे आप। ठीक, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में स्पेशल क्लासेस वाले भी ज़बरदस्त आते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि ये कौन सा जिहाद है आपके मुताबिक। दीप्ति जो कि 18 साल की एक लड़की, कई साल से रिलेशनशिप में थी एक लड़के के साथ जो कि बीजेपी का एक नेता था, और तो और वो बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। ये कर्नाटक के चिकमगलूर का इंसिडेंट है, और लड़के का नाम है उस नेता, जो बीजेपी नेता, जो लड़का जो है उसका नाम है नितेश। ठीक है, तो वो जो है दीप्ति को जिस्म को इस्तेमाल करता रहा, उसके जिस्म को नोचता रहा, और जैसे ही उस लड़की दीप्ति ने जो है नितेश से शादी की मांग की, तो वो लड़का जो था वो सीधा उसने जो है दीप्ति को मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, दीप्ति जो है वो डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में जाकर उसने सुसाइड कर लिया। दीप्ति के फादर ने FIR भी किया। जाहिर सी बात है कि दीप्ति के घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में मालूम था, तभी तो उन्होंने जो है पुलिस वालों को जो सारी डिटेल वो दे पाए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो डिप्रेशन में गई आहिस्ता आहिस्ता, और उसने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था, जी हाँ, वो रिजवान जो था ना, हाँ एक्स मुस्लिम रिजवान, हाँ उसी को बोला था कि अपनी बेटियों को ताकतवर बनाओ, अपनी बेटियों को वो मोटिवेट करो कि 2 टके के जो है ना, 2 टके के और 4 दिन के ये रिश्ते जो है ना, ये तुमको कमजोर नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में हो ठीक है, लेकिन जब वो तुमको लात मार रहा है तो तुम भी उसके मुंह में 4 लात मारो, मोटिवेट करो। ये मत करो कि जो है बेटियां डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लें। तो आपको बता दूं कि ये न्यूज़ जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी गोदी मीडिया के चैनल में और कहीं भी पर भी, क्योंकि जो है समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये गोदी मीडिया और दलाल मीडिया है, और ये जो है ना लव जिहाद के नाम पर भौंकने वाले ये सारे जो है ये कुत्ते खामोश बैठे हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्हें अब जो है इसमें कोई मुस्लिम हिंदू एंगल जो है वो नहीं दिख रहा, इसलिए चुपचाप जो है वो गंदी नाली के किसी कोने में पड़े हैं, इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, और ये खुद अपनी खुद की बहन के लिए आवाज नहीं उठा रहे। भाई आवाज उठाओ बेटी बचाओ गैंग। ये दीप्ति जो थी ये तुम्हारी बहन थी, और इसके साथ नाइंसाफी हुई, बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी कि उसने अपनी जान दे दी। हाँ किसी ने उसका गला नहीं रहता, किसी जो है अब्दुल ने, लेकिन जान दे दी तो उसके साथ नाइंसाफी हुई ना। तो आवाज उठाओ लव जिहाद नारा लगाने वाले गैंग। गोदी मीडिया के नेशनल प्राइम टाइम में भी आपको ये न्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई भी लव जिहाद का एंगल गोदी मीडिया को नहीं मिला, और ना ही गोदी मीडिया को इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल मिला, और ना ही गोदी मीडिया को इसमें मुसलमान को बदनाम करने वाला कोई ऐसा मुद्दा मिला। तो इस टॉपिक पर जो है गोदी मीडिया को TRP बिल्कुल नहीं मिल सकती, और फिर ऊपर का भी प्रेशर है। ठीक, तो इसलिए ऐसे न्यूज आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो जो है ना लव जिहाद गैंग और वो बेटी बचाओ गैंग उन तक पहुंचे, क्योंकि ये बात को दबा दी गई है। ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर बहू बेटी बीवी, ठीक बहन सबका, टेक अच्छे से गुड केयर, हाँ ठीक ना। तो बस वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।